नमस्कार, मिडडे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को दिखाई हरी झंडी। तिरुनेलवेली में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके की विकास विरोधी राजनीति से सतर्क रहने का प्रधानमंत्री ने किया आह्वान। कहा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं होने दिया जाएगा बर्बाद, ये मोदी की है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र के यवतमाल का दौरा। 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त भी करेंगे जारी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के 15 विधायक विधानसभा से निष्कासित। तो वहीं सुक्खू सरकार के कामकाज से नाराज मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दावा, जल्द बनेगी बीजेपी की सरकार। संदेश खाली मामले पर कोलकाता में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद एक्शन में बीजेपी। शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन। गुजरात के कच्छ से सेना और गुजरात एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बरामद की 3,000 किलो से अधिक की ड्रग्स। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नशा मुक्त बनाने के अभियान में ऐतिहासिक सफलता। और आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी तय करना है इस अभियान का मकसद। और अब बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भाजपा के लिए लगातार बढ़ रहे जनसमर्थन को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग इस वक्त हमसे जरूर करेंगे हिमाचल का, जहां से राजनीतिक जो गतिविधियां तेज हैं। साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे, उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास,
हमने मार्शल को हमने कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिए हैं स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाए, विधानसभा के सदस्य जाए, विपक्ष के नेता जाए और उनसे उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दे, या आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम है कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वो वहाँ सदन के अंदर पारित किया जाए। बीजेपी विधायक शायद उनकी तबीयत भी खराब हुई थी जब वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, तो वहाँ चारों तरफ जो है लगभग 60-70 से भी ज्यादा, विधानसभा में 68 सदस्य हैं लेकिन 100 के करीब वहाँ पर मार्शल भेजे गए, वहाँ सदन के अंदर हवा आना बंद हो गई और उस कारण से हमारे माननीय सदस्य की रणधीर शर्मा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनको मेडिसिन देने के बाद वो स्टेबल है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसी दादागिरी, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का किसी ने आज से पहले प्रयास नहीं किया जो वर्तमान सरकार ने किया। जो 9 विधायक हैं, जो 6 और 3 निर्दलीय, क्या वो आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या अभी भी वो कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, आप इस बात को लेकर के मैं वो भी यही कहूंगा कि उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, वो हमारे साथ है और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने, आज कटमोशन लगे थे पीडब्ल्यूडी पर और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, मेरे पिता को जलील किया, मेरे पिता की भावनाओं को जलील किया और उसके बाद मुझे बार बार जलील किया। जब मंत्री ही इस प्रकार का आरोप सरकार पर लगाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हालात है। सीएम बदलने की बात चल रही है कांग्रेस के अंदर, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बगावत जो है रुक सकती है? मैं इस बात को, कुछ नहीं रुकेगा, ये सरकार जानी है, आज नहीं तो कल जानी। कितने दिन लगेंगे? तो भाजपा की सरकार बनेगी जयराम जी, तो आगे के आगे देखेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं होगी। चलिए नमस्कार। सियासी संकट इस वक्त चल रहा है, उठापटक का दौर चल रहा है। आप एलओपी जयराम ठाकुर को सुन रहे थे, नेता विपक्ष को आप सुन रहे थे। इस वक्त जो आप बजट सत्र चल रहा है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में, बजट सत्र का है आज, बजट को पेश होना है, पास भी होना है, लेकिन उससे पहले तमाम जो विपक्षी विधायक हैं उनको वहां से निकाल दिया गया, सदन से बाहर कर दिया गया, मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। तो आप सुन रहे थे जयराम ठाकुर को कह रहे थे कि आज न कल इस सरकार को तो जानी ही है, क्योंकि जिस तरह से चीजें घटित हो रही हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, वो उससे तय हो गया है कि यहां पे सरकार गिरनी ही गिरनी है, सुक्खू की सरकार हिमाचल प्रदेश से जानी तय हो गई है। और ये सारी चीजें हुई हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो जयराम ठाकुर कह रहे थे कि वो लोग वहां बैठे हुए थे, वहां पे बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी, वहां पे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, विपक्ष के होने से ही वहां पे जिस तरह से बजट सत्र में बजट की कार्यवाही चल रही है उसमें बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने, वहां की कांग्रेस सरकार ने तमाम विपक्ष को मार्शल की मदद से बाहर कर दिया गया, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ होगा कि इस तरह की चीजें वहां पर घटित हुई है। और वहां पर क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबर है वो आपको सबसे पहले हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक विशाल जनसभा को अब से कुछ देर पहले ही संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भाजपा के लिए लगातार बढ़ रहे जन समर्थन को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को बड़ी आशाओं से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की पॉजिटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय अब आ गया है।
तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है, अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। इन लोगों ने तमिलनाडु के विकास के नाम पर आपको खूब लूटा है। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है। और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। और ये भी मोदी की गारंटी है, इधर मोदी न गारंटी। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती पर मुश्किल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु सरकार पर केंद्र की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्किन पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने करीब 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने वीओसी बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। साथ ही बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के मकसद से कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल रही। इस दौरान वांची मानियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये लगभग 1477 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। परियोजना कन्याकुमारी नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगी। रेल के अलावा रोड की लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित चार सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की लटकी हुई परियोजनाओं के लिए यूपीए सरकार पर आरोप लगाए। बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी।
बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। और बीते 10 वर्षों में तमिलनाडु में हुए कई विकास कार्यों का जनता के सामने उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से तमिलनाडु में सड़क निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जिससे तमिलनाडु में नेशनल हाईवे का नेटवर्क बेहतर हुआ है। लेकिन यहाँ की मौजूदा सरकार विकास कार्यों को मीडिया में छपने भी नहीं देती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं, मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल है जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। और आपको ग्राफिक्स जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो विकास के लिहाज से जो परियोजनाएं हैं वो कितनी अहम हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको हरित हाइड्रोजन एक हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो VOC जो है बंदरगाह, वो देश का पहला इस तरह से हरित हाइड्रोजन हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है VOC बंदरगाह, जिसे हरित हाइड्रोजन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। पोर्ट हरित बंदरगाहों का विकसित करेगा एक इकोसिस्टम, ये पहला है। इसके अलावा और भी इकोसिस्टम बनाए जाएंगे। पोर्ट एक ट्रांसशिपमेंट केंद्र के रूप में भी उभरेगा, ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर, एक हब के तौर पर। साथ ही साथ VOC पोर्ट शिपिंग क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग पर हम जानते हैं कि सरकार बहुत गंभीर है, खासकर शिपिंग अब सेक्टर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अधिक से अधिक हो सके। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख घटक है हरित हाइड्रोजन हब, और राष्ट्रीय, हमने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब है। और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय ने 3 प्रमुख बंदरगाहों का इसके लिए चयन किया है, जहां की जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है उसके तौर पर विकसित किया जाए। इनमें दीनदयाल, पारादीप और VOC पोर्ट की पहचान हाइड्रोजन हब के तौर पर की गई है, और इसके जरिए भारत वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरने वाला है। साल 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की उम्मीद सरकार लगाए बैठी है, 5 मिलियन मीट्रिक टन तक, और इससे लाखों की तादाद में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो हरित हाइड्रोजन केंद्र के निर्माण पर भी लगातार सरकार गंभीर है, और 3 पोर्ट्स का इसके लिए चयन किया गया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिमाचल के पॉलिटिक्स की। जबरदस्त राजनीतिक हलचल वहां पे हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों को मनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर ने पूर्व CM जयराम ठाकुर सहित विपक्ष के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों के BJP के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के बाद से यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है। इसके बाद से राज्य में जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। इससे पहले आज सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल जो हैं वो शिव प्रताप शुक्ला, उनसे भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की नीयत पर उन्हें शक है। सदन से निष्कासित होने के बाद जयराम ठाकुर ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार डिवीजन ऑफ वोट पर बजट पारित नहीं करवा सकती, इसलिए BJP के 15 विधायकों को निकाला गया है। और इस सबके बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर उनके ही विधायक अब सवाल उठाने लगे हैं। अब सुक्खू मंत्रिमंडल से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में इस सरकार में बने रहना
उनके लिए ठीक नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में विधायकों के साथ अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। की व्यवस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में जारी पॉलिटिक्स पर, इस घमासान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनकी अनदेखी की है। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और उन्होंने यह भी कहा कि जिनसे अपने परिवार, अपने विधायक, पार्टी न संभले वे दूसरों पर अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं दो दो विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे, क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? और वहीं राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित बीजेपी के सांसद हर्ष महाजन, जो कि जिनकी विजय हुई है राज्यसभा चुनाव में, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में जल्दी ही बीजेपी की सरकार बनेगी। मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप शुरू आज से शुरू हो जाएगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ धर्म प्रकाश हैं जो कि राजधानी शिमला से इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कुमार आलोक हमारे सहयोगी जो कि दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधे चलेंगे धर्म प्रकाश के पास जो कि शिमला में इस वक्त मौजूद हैं। धर्म, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और जैसा कि हमने कहा कि 15 जो विपक्षी विधायक उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया, बजट सत्र चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्या कुछ स्थितियां हैं इस वक्त विधानसभा के अंदर?
बिल्कुल असीम, अपने आप में ये विधानसभा सत्र हिमाचल प्रदेश का जो बजट सत्र है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस बार जो इस बजट सत्र में हो रहा है वो शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। साल 2000 में, हालांकि आज से 22-23 साल पहले, प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी राज्यसभा में चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई थी, और उसके बाद ये पहला मौका है जब न सिर्फ क्रॉस वोटिंग हुई है बल्कि क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल की जो सरकार है उस पर ही खतरा मंडराने लगा है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि बजट सत्र में बजट को पारित करने के लिए ही सरकार को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अविश्वास प्रस्ताव की तो नौबत ही नहीं है, बजट सत्र भी अगर पारित हो जाए तो वो भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक अभी के माहौल की आपने बात की, तो इससे पहले विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह माहौल बहुत गर्म है। विधानसभा के अंदर जहां पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई है, मार्शल तक बुलाने पड़ गए, 15 जो विपक्ष के बीजेपी के विधायक उनको निष्कासित करके सदन से बाहर कर दिया गया, साथ ही कुछ विधायकों की तबीयत तक बिगड़ गई थी, और विधानसभा के बाहर भी गेट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो कार्यकर्ता है वो जबरदस्त नारेबाजी करते नजर आए थे। विधानसभा परिसर को चारों तरफ से एक तरह से सील कर दिया गया है, पूरी तरह से आवाजाही को बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि देर शाम आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में नया जो नेता है सदन का उसे उसका चुनाव किया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की से उनके अपने ही विधायकों की जो नाराजगी है वो अब उन्हें काफी भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये सारा जो यहां पर बवाल हुआ है वो उसी नाराजगी का नतीजा है। राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो भी उसी नाराजगी का नतीजा है, चाहे उसे आप खेमेबाजी की खेमेबाजी कहें या फिर मंत्री पद ना मिलने को लेकर कुछ विधायकों की नाराजगी कहें या फिर होली लॉज और वीरभद्र सिंह का जो परिवार है उनको लेकर सुक्खू की दूरियां कहें, दे दिया ये खबर भी आ रही है कुछ, क्या आप इसे कंफर्म करेंगे? मैं सुन नहीं पाया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि खबर ये आ रही है कि वहाँ के जो सीएम है सुक्खू उन्होंने रिजाइन दिया है। बिल्कुल, खबरें जरूर आ रही थी, लेकिन अभी जो ओएसडी टू सीएम है उन्होंने खबरों को निराधार बताया है, साथ ही जो ऑब्जर्वर हैं भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, किसी तरह का इस्तीफे की पेशकश उनके पास फिलहाल अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा जरूर है कि देर शाम तक इस्तीफा जो है वो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल जो पुष्टि है जो कन्फर्मेशन है वो अब तक नहीं हो पाई है। तो इस तरह से हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है वो इससे पहले ये जरूर कह चुके हैं कि उनके पास ये खबर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने प्रपोज किया है, लेकिन ऑफिशियली इस तरह की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं मिल पाई है। धनप्रकाश, एक और सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, एक और सवाल ये कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, खासकर बीजेपी की, नैतिक तौर पर अब कोई अधिकार, नैतिक तौर पर अब कोई ये समय नहीं रह गया कि अब आप वहां अपने पद पर बने रहिए, अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप ही के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, आपके एक मंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, अब आपको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये नैतिक आधार जो शब्द है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पूरा नंबर गेम है, जैसा कि आप जानते हैं 68 सीटों वाले विधानसभा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा, और बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए, और अगर फाइनेंशियल जो बिल है जिसको लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर डिवीजन की मांग विपक्ष करता रहा है, उसमें अगर वोटिंग हो भी जाती है और कांग्रेस के 6 जो बागी विधायक है उनको अगर एक्सक्लूड कर दे तो कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 34 रहती है, उसमें भी स्पीकर को वोट का अधिकार नहीं होता, तो यानी कि वोटर जो विधायक बचते हैं कांग्रेस के पास वो सिर्फ 33 बचते हैं, तो मतलब बहुमत 35 से कांग्रेस नीचे है, और विपक्ष का जो तर्क है, आधार है, वो यही है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर सरकार के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत ना नहीं है ये बात जब वोट ऑफ डिवीजन होगा उसमें ये साबित हो जाएगी, और ये साबित ना हो, इसीलिए जयराम ठाकुर का ये दावा है कि इसीलिए जानबूझकर बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से बाहर किया गया है, निष्कासन उनका किया गया है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से मांग जरूर की जा रही है, दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल जो रेजिग्नेशन सीएम का है वो फिलहाल के लिए औपचारिक पुष्टि हम नहीं कह सकते। लेकिन धनप्रकाश, चूंकि बजट सत्र चल रहा है, वोट ऑफ डिवीजन की मांग को तो ठुकरा दिया गया, नहीं माना गया, उल्टा जो विपक्षी जो सदस्य उनको निकाल दिया गया सदन से, ऐसे में आज न कल तो उनको फेस करना ही पड़ेगा अगर विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो।
बिल्कुल अगर पेश होता है तो, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज सुबह राज्यपाल से जब विपक्ष के विधायकों ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जब मुलाकात की थी तो फ्लो टेस्ट की डिमांड उन्होंने नहीं की, उन्होंने सिर्फ वोट ऑफ डिविजन की मांग की थी और ये मांग की थी कि बजट को पारित करने के लिए जो डिविजन है वो स्पीकर की तरफ से दिया जाए, लेकिन स्पीकर की तरफ से ऐसा किया नहीं गया। उसी को लेकर पूरा बवाल सदन के अंदर हुआ था, जो मंत्री चंद्र कुमार और जयराम ठाकुर के बीच तो तीखी नोकझोंक सदन के अंदर हुई है, जिसके बाद वहीं पर बीजेपी विधायकों ने धरना शुरू कर दिया और उसके बाद मार्शलों को बुलाया गया और मार्शल ने जबरदस्ती जो विधायक हैं विपक्ष के उनको सदन से बाहर किया। फिर उसके बाद जब स्पीकर और मुख्यमंत्री जब खुद सदन से बाहर चले गए तब जाकर मामला थोड़ा सा शांत हुआ। और अभी कुछ ही देर पहले जब विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, जो विधायक दल जी तो लगातार सरकार को सदन में बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। एक आखिरी सवाल धर्मप्रकाश की, सिर्फ 14 महीने पुरानी ये सरकार, और इन 14 महीने पुरानी सरकार में ऐसा क्या कुछ हुआ, जैसा कि खबरें आ रही हैं जो जिन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री ने उन्होंने भी कहा, बाकी विधायक भी, कि एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात हुई और दूसरी बात कि इनके अंदर जो बातें थी जिन मुद्दों को लेकर ये जाते थे सीएम के पास उन मुद्दों को अनसुना कर दिया जाता था, ये कहना विक्रमादित्य सिंह का। बिल्कुल, जब सरकार बनी थी असीम आपको याद होगा हिमाचल में, जब पिछले साल 8 दिसंबर को जब नतीजे आए और उसके बाद जब हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो सबसे बड़ा पेच कांग्रेस के सामने यही था कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसको लेकर बहुत सारी बैठकें हुई। शिमला में बैठकों का ज़बरदस्त दौर चला था, पर्यवेक्षक बाहर से बुलाए गए थे, यही भूपेश बघेल उस वक्त भी थे जिन्हें बुलाया गया था, और बड़ी माथापच्ची के बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगी थी। तो सुक्खू के नाम पर जब मुहर लगी उसके बाद से ही कांग्रेस में ये खेमेबाजी और नाराजगी का जो दौर है वो सामने आने लगा था। और जब सुक्खू की कैबिनेट बाद में बनी और उसमें सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को जगह नहीं मिली तो एक बार फिर से इन दोनों विधायकों की भी ऑफिशियल जो नाराजगी थी वो गाहे बगाहे सामने आती रही है। इशारों इशारों में उन्होंने अपनी सरकार पर हमला कई बार बोला है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो JOAIT अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, उसमें सरकार के खुद के विधायक जाके उन्हें सांत्वना देते हैं और सरकार से उनकी मांगों को मानने की मांग करते नजर आए। सरकार उन्हीं की थी, सुधीर शर्मा की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक थे, अगर विक्रमादित्य वाला एंगल हम इसमें ले लें, वीरभद्र वाला एंगल इसमें ले लें, तो ये और भी साफ स्पष्ट स्थिति हो जाती है कि किस तरह से खेमेबाजी में पूरी की पूरी कांग्रेस हिमाचल की बढ़ी हुई नजर आ रही थी। और पिछले 14 महीनों का पूरा घटनाक्रम हम देखें तो उसमें इस खेमेबाजी का नतीजा है कि आज सुक्खू सरकार को इस बिल्कुल उस पर निगाहें बनी रहेंगी। धनप्रकाश, हम आपके पास आएंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को शिमला से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इस सब के बीच सस्पेंड किए जाने पर, विधानसभा से बाहर किए जाने पर जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पक्ष के 15 सदस्यों का निलंबन करना बेवजह, ये पहली बार हुआ। सरकार बचाने के लिए निलंबन किया गया है। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। और इस सबके बीच राणा गोस्वामी ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किलें इस वक्त चल रही हैं, लगातार उनके जो नेता हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये ताजा मामला असम से है जहां की वहां के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तो लगातार जो पॉलिटिकल हलचल है हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी कुमार आलोक भी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, जो हिमाचल में इस वक्त चल रहा है और जैसा कि कहा गया कि एक बाहरी को आपने जिताने की कोशिश की,
आपने वो उस राज्य का नहीं है, इसको लेकर जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे उनमें काफी नाराजगी थी और उसका नतीजा हम सबके सामने है। कैंडिडेचर था इनका राज्यसभा के लिए अभिषेक मनु सिंघवी का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो डिसिडेंट खुल के सामने आए। और ये आग जो थी वो 14 महीने से सुलग रही थी और उन लोगों को जो विरोधी थे, जो उन सुक्खू के कार्यशैली का विरोध कर रहे थे, तो उनके पास कोई मौका ऐसा नहीं मिल रहा था जिसपे कि वो अपना विरोध दर्ज करा सके। बराबर वो सोशल मीडिया के साइट्स पे या ट्विटर एक्स पे या फेसबुक अकाउंट से वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और आलाकमान है, जो आलाकमान आप पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता छोड़ गए हैं कांग्रेस को, चाहे वो सिंधिया हो मध्य प्रदेश में, चाहे और भी आप रामास्वामी हो पुडुचेरी, बहुत सारे असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो, तो जो कम्युनिकेशन स्थापित होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो स्थापित होना चाहिए था आलाकमान और राज्य के लोगों के बीच, वो बिल्कुल शून्य था। और यही कारण रहा कि उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला कि अब इनको मजा चखाने का सुक्खू का। और वो उसमें राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें खुलेआम जाकर के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फजीहत की बात है कि 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीट यानी पूर्ण बहुमत की सरकार हो जहां पर, और वहां पर उनका कैंडिडेट हार जाए। यानी 6 कैंडिडेट तो एमएलए उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया ही, 3 जो निर्दलीय विधायक थे जो हमेशा से सरकार के साथ थे उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की और परिणाम ये हुआ कि मामला 34-34 पर आ गया। और अंत में जो होता है टॉस की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए और अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई। हालांकि सुक्खू चाहते थे, सुक्खू के खिलाफ जो बगावती तेवर चल रहा था उसको वो भांप नहीं पाए थे और वो चाहते थे कि राज्यसभा की जो उम्मीदवारी हो उसमें चाहे तो प्रियंका गांधी यहाँ से आए चाहे सोनिया गांधी यहाँ से आए, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से वो निर्वाचित हो गई है राज्यसभा से, तो इन लोगों को सुक्खू को पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी आएंगी क्योंकि प्रियंका गांधी ने वहां पर अपना घर भी बना रखा है शिमला में। तो वो अगर सुक्खू को प्रियंका गांधी अगर सामने आती उम्मीदवार के रूप में तो हो सकता था कि विद्रोह की बगावत वहां पर न हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभिषेक मनु सिंघवी की जो हार है, बड़े नेता है कांग्रेस के, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। अब देखना है कि सुक्खू अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। यही बात कि अगर पसंद सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुछ और थी, कांग्रेस आलाकमान की कुछ और थी, तो यहां भी तो एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है कि आप किस कैंडिडेट को वहां से देना चाहते हैं, इसको लेकर भी कोई बातचीत नहीं। वहां का जो सीएम है वो कुछ और सोच रहा है, उनके मन में कोई और कैंडिडेट है, और जो आलाकमान है या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी नज़र में कोई और वहाँ कैंडिडेट है, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन गैप देखा गया। लेकिन दूसरी बात आलोक की, अगर 6 आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं वो भी सिर्फ 14 महीने पुरानी सरकार में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो विश्वास है वो विश्वास सरकार खो चुकी है, अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी है। बिल्कुल खो चुकी है। और 6 विधायकों के अलावा ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो खफा हैं इनकी कार्यशैली से। और आपने देखा कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जो वहाँ के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उनके जो लड़के हैं उन्होंने साफ इस्तीफा दे दिया सवेरे। तो इसके अलावा अब जो बच रहा है, जो संभावनाएं बच रही है वो 2-3 तरह की है। एक तो जो वहाँ डी के शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर गए हुए हैं डिसिडेंट को मनाने के लिए, तो एक एक विधायक से, हालांकि 3 बजे से बैठक शुरू होगी, तो वहां पर एक एक विधायकों का नब्ज बूट टटोलेंगे। और एक खबर यह भी आई कि पेशकश की है सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, लेकिन बाद में जब खुद सुक्खू आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि सूत्र जो बताते हैं उसमें आलाकमान ने कहा है कि अभी इस्तीफा आप नहीं दीजिए और किसी भी तरीके से सरकार उनको बचानी है। तो 2-3 संभावनाएं हैं, एक तो सुक्खू को हटाया जाए, और जो डिसिडेंट्स कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो डिप्टी सीएम है अभी, और जब सरकार बनी थी सुक्खू की तो उस समय भी ये दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन आखिरकार प्रियंका गांधी के साथ पसंद थी सुक्खू, इसलिए सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरी चीज ये है कि अगर विश्वास मत की बात अगर होगी फ्लोर पे तो वहां भी डर है सरकार को। तो इसमें अब स्पीकर ये कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत जो 6 विधायक है उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अयोग्य घोषित करने की स्थिति में जो 68 का स्ट्रेंथ है वो 62 हो जाएगा, और 62 का स्ट्रेंथ जब हो जाएगा तो जो पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए उनको 31 सीटें चाहिए या 32 सीटें चाहिए। और कल का जो परिणाम आपने देखा,
दोनों तरफ यानी बीजेपी के 25, 6 जो कांग्रेस के जो विद्रोही थे वो, और 3 निर्दलीय, यानी कि 34-34 दोनों तरफ 34-34 था। लेकिन अगर 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो 32 सीटों पर बहुमत साबित हो जाएगी कांग्रेस की। ये भी एक गेम प्लान चल रहा है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है वो है कि सीएम को बदल करके शायद जो डिसिडेंट है वो भी मान जाए कि भाई सीएम को हटाओ, और सीएम को हटाने के बाद हम आपके साथ है। ये एक आखिरी सवाल कि ये जो 6 MLA हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्या इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, स्पीकर के पास पावर होता है, और आपने देखा होगा कि जब अगर बिहार में हम बात करें, उस समय इन पे लागू नहीं होते हैं कुमारा लोग जी। कुछ पूछ रहे थे आप। मैंने कहा कि दल बदल कानून जो है वो इस तरह के क्रॉस वोटिंग पे वो जो नियम है वो लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता, लेकिन स्पीकर के पास विशेषाधिकार होता है। अगर हम 2/3 अगर कांग्रेस को अगर तोड़ना है, उनको तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता, 2/3 जो संख्या बल है वो चाहिए, तो उस स्थिति में 18 से ऊपर सीटें चाहिए, विधायकों की संख्या चाहिए, तब जाकर के अलग गुट में मान्यता दिया जा सकता है। लेकिन स्पीकर के पास पावर होता है, अब स्पीकर अपने पावर का उपयोग कर सकता है। अब आप बाद में कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, निचली कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन तत्काल स्पीकर ऐसा कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार घटनाक्रम वहां पे बहुत तेजी से बदल रहे हैं, क्या कुछ वहां पे होते हैं हम आपको लगातार वो पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताज़ा खबर की। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी आज दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और पश्चिम बंगाल में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है, और इस पर लॉगिन करने वाले यूजर कार्ड गेम्स, चांस गेम्स, पोकर जैसे लाइव गेम खेलते थे। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती थी। इसके अलावा इसी ऐप से चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए महादेव बैटिंग ऐप का जाल पूरे देश में तेजी से फैला, और इसमें सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। और आइए आपको बताते हैं कि ये जो सारा ऐप है, महादेव ऐप, और ये पूरा मामला आखिर है क्या, आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग एप्लीकेशन एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करना है। छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इस ऐप को लॉन्च किया था। महादेव ऐप पहली बार साल 2020 के फरवरी महीने में चर्चा में आया। आईटी डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर पर छापेमारी की थी। छापों के दौरान दुबई में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों की तरफ सबका ध्यान गया, और इसके बाद महादेव बैटिंग ऐप के कई एजेंटों की गिरफ्तारी हुई। मामला राज्य पुलिस से ईडी के पास पहुंच गया। ईडी की जांच में बड़ी संख्या में आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। ईडी ने देश के लगभग 39 शहरों में छापेमारी की। 39 शहरों में ईडी ने छापेमारी की, और इसके बाद 417 करोड़ की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। 417 करोड़ की नकदी हुई जब्त की गई। ईडी ने इस मामले में अपराध की अनुमानित आय 6000 करोड़ रुपए मानी है। और ईडी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए। प्रोमोटर्स ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने की भी बात कही है। हालांकि बघेल ने इन आरोपों को उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया। वहीं ईडी ने पहले आरोप पत्र में सौरभ चंद्राकर की शादी में 200 करोड़ रुपए नकद खर्च की बात कही है। इस ऐप के जरिए कमाए गए धन को, पैसे को राज्य में राजनेताओं और नौकरशाहों को घूस, रिश्वत के तौर पर दिया गया। ईडी ने कई हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं से भी पूछताछ की। एजेंसी ने पहले आरोप पत्र की सामग्री यूएई के अधिकारियों के साथ भी साझा की। इंटरपोल ने रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया गया। 1800 पन्नों का नया आरोप पत्र 1 जनवरी को दायर किया गया। तो दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। 1800 पन्नों का नया
आरोप पत्र 1 जनवरी को दायर किया गया और इस आरोप पत्र में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। ईडी ने ऐप धनशोधन के मामले में रायपुर की विशेष अदालत में नया आरोप पत्र भी दायर किया और एजेंसी दूसरे आरोप पत्र को दुबई में अधिकारियों के साथ साझा करेगी। तो लगातार इस मामले में ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये है सारा महादेव ऐप का पूरा मामला। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज ईडी की जो टीम है वो अलग अलग शहरों में लगातार छापेमारी कर रही है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है। पीएम ने इसरो के विज्ञापन में चीन का झंडा दिखाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए देश हित को लेकर डीएमके की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। तो चीन का झंडा आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीएमके ने अपने इस पोस्टर में इसरो को शामिल करते हुए उसमें चीन का झंडा उसमें शामिल किया है। पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्किन पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा, भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले, ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा लगातार सत्ताधारी टीएमसी पर हमलावर है। कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा आज कोलकाता के धर्मतला में धरना प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के कारण धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने बिना माइक्रोफोन के धरना प्रदर्शन की इजाजत दी है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन जारी है कोलकाता में। सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ भाजपा लगातार हमलावर है और आज धरना प्रदर्शन भी कोलकाता में दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाएं टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भी लगातार जा रही हैं। तो महिलाएं भी अपना वो जो विरोध है वो कर रही हैं वहां पे, और उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उन मामलों को दर्ज कराने के लिए भी वो लगातार हायर अथॉरिटीज के पास जा रही हैं। तो संदेश खाली में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और लगातार टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का संदेश पूरे देश में जा रहा है और वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार को रोक पाने में एक महिला मुख्यमंत्री ही असफल साबित हो रही है। संदेश गली गली जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार की घटनाओं के बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है और ऐसी दुर्गति वहां पर हो गई कि अत्याचार करने वाले खुले में घूम रहे हैं और महिलाओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में क्या होगा जो पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेंजित बख्शी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। प्रसेंजित, आज क्या कुछ हो रहा है? हालांकि हमने कहा कि कोर्ट ने जिस तरह से बातें कही कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल न किया जाए, और इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए असीम, पहली बात तो यह है कि सबको यह समझना पड़ेगा कि संदेश खाली में जो महिलाओं ने बारी बारी में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने सिखाया और किसी ने बाहर से जाके उनको ऑर्गेनाइज करके ये सब कराया जा रहा है। जैसे आज का स्थिति में बताऊं, वहाँ का एक कोई तृणमूल नेता किसी का जमीन के ऊपर जबरदस्ती अपना कोई कंस्ट्रक्शन बना रहा था, महिलाओं ने जाके उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया है। अब होने क्या होना है, आने आगे जाके पुलिस से हो सकता है कि चार पांच महिलाओं को उठा के लेके कोर्ट में चले जाए और कुछ तीन चार पुरुषों को कोर्ट में ले जाए और गिरफ्तार कर ले उसके पहले। लेकिन शेख शाहजहां और सिराजुद्दीन जैसे लोग लापता है, आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, और इस तरह से बेचारा महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है किस आरोप पर कि इन्होंने कानून अपने हाथ पर ले रही है। हाँ, कानून हाथ पर ले रही है, ये तो गलत बात है बिल्कुल, इसमें किसी का कोई किसी तरह से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन जो कारण है उस कारण को इस तरह से अगर इतने दिन तक संरक्षण दिया जाएगा और जिनको ये इन लोगों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए उन्होंने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो ये महिलाओं ने करे तो क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रसन्नजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेख शाहजहां सीमा पार करके वो कहीं बांग्लादेश तो नहीं भाग गया? देखिए सीधी तरह से तो ये बात हम कह नहीं सकते, लेकिन कई इस तरह की अटकलें लगाया जा रहा है क्योंकि वो जो इलाका है और वहां की जो इस तरह की उपद्रवी लोग हैं उनके साथ सीमावर्ती जगह की बाकी देशों की कई सारे माने गहरा संबंध है ये माना जाता है। अब जिस तरह से पुलिस का संरक्षण इतने दिनों तक इन लोगों को दिया गया है, अब कहाँ है, किस तरह से है, किसकी संरक्षण में है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी मुश्किल समझना मुश्किल है कि बंगाल की पुलिस इतना क्या बेकार है कि एक आदमी को 50 दिनों तक ढूंढ के नहीं निकाल पाए। कुछ दिन तो अदालत की गलत इस्तेमाल किया कि अदालत ने रोक लगा के रखा था, अब वो भी तो नहीं है हाथ में, तो फिर है कहाँ। अगर बांग्लादेश चले गए तो वो भी तो बोलना चाहिए कि हाँ वो देश में नहीं है, बाहर चले गए, वो तो बोले टीजीपी साहब ने असीम। बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्नजीत, ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि जब महिलाएं अगर वो जाए भी तो जाए कहाँ, चूंकि पुलिस टीएमसी के और ममता बनर्जी के साथ है, सारा जो सरकार है, सारा जो तंत्र है प्रशासन, वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसे में जो विक्टिम्स महिलाएं हैं वो अपनी शिकायत लेके जाएं तो जाएं कहाँ, और जब वो जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उल्टा पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करके ले जा रही है। बिल्कुल ऐसे, कल तो वैसे महिलाओं को गिरफ्तार करके अदालत ने उनको जमानत दे दी है। अब इन लोगों को अगर अदालत फटकर लगाते लगाते, शायद मुझे लगता है कि अदालत भी अभी परेशान हो चुका है कि और कितना फटकर लगाना है, चाहे नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर किस्म की कोर्ट की सामने इन लोगों को पूरी तरह से धुलाई किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से बताया जा रहा है वही पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। तृणमूल पहले ये सेट कर लिया कि अब अदालत को बताया जाएगा कि आपने शेख शाहजहां
की ऊपर कार्रवाई करने से रोक लगा दिया, तो डीजीपी ने भी वोट एक ही स्टेटमेंट दे दिया। अब अदालत ने बोल दिया कि हमने कब ऐसा रोक लगाया, हम कैसे रोक लगा सकते हैं। तो अब तृणमूल का भी कुछ कहना नहीं है, डीजीपी को भी कुछ कहना नहीं है। डीजीपी दो दिन संदेश खाली होके आए हैं, पिछले तीन चार दिनों से डीजीपी का कोई पता नहीं है कि डीजीपी कर कर आए हैं। तो कहानी है एक, और वहाँ की जो पुलिस है महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके जा रहा है, और महिलाओं ने अपना किसी तरह से वकील लगा के अदालत से जमानत लेके वापस आ रही है। तो स्थिति ऐसा बन गया है कि यहाँ पे अगर ऐसे आप जैसे पहले पूछ रहे थे ना कि संदेश खाली में आज क्या हो रहा है, ये बोलने से भी पीड़ादायक है कि इतने दिनों तक, करीब एक महीना तक, इस महिलाओं ने अपने पीड़ा के बारे में, अपने ऊपर होने वाला उपद्रव के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और हर दिन आप जैसे लोगों को स्टूडियो से पूछना पड़ रहा है कि आज क्या हो रहा है संदेश खाली में, कोई कदम नहीं हुआ अभी तक। असीम, बिल्कुल बहुत ही शर्म की बात है प्रसन्नजीत, कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें पूछना पड़ रहा है कि वहाँ पे आज की स्थिति क्या है। फिलहाल प्रसन्नजीत अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के बाद एक अलग ही मामला सामने आ रहा है। यहाँ बीजेपी ने बेंगलुरु में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्यसभा चुनाव में विजेता घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के नेता डॉक्टर नासिर हुसैन के समर्थकों ने विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नासिर हुसैन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और संसदीय दल के सचेतक भी हैं। बीजेपी का कहना है कि नासिर हुसैन ने इसके बाद कोई मुआफ़ी नहीं मांगी और ना ही नारे की निंदा की है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। विक्ट्री ऑफ मिस्टर नासिर हुसैन इन राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी इन दी विधानसभा इटसेल्फ व्हिच इज दी मोस्ट सैक्रोसैंक्ट बिल्डिंग ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ कर्नाटका वेयर प्रो पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स हैव बीन रेज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग दिस मिस्टर नासिर हुसैन is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. Congress party, when it was in power, they used to hobnob with the Pakistan. Now they are directly supporting the Pakistan. और वहीं कर्नाटक में कांग्रेस नेता सैयद नसीर नासिर हुसैन और उनके समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि मीडिया के द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। If report comes and it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. भारतीय उपमहाद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। भारतीय नौसेना, नेशनल जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और गुजरात ATS के संयुक्त अभियान में 3100 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है। इस ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जो है वो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान है। इस संयुक्त अभियान में भारतीय नौसेना को मिली जानकारी के मुताबिक ईरान से जहाज पर हशीश और अन्य मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दो दिन तक समुद्र में रहने के बाद भारतीय नौसेना ने संदिग्ध नाव को भारतीय समुद्री सीमा में घुसने पर रोक दिया। पकड़े गए 5 संदिग्धों के पाकिस्तानी होने की आशंका है। पकड़ी गई नाव, ड्रग्स और संदिग्धों को गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब उनसे ड्रग्स और उनके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की देश की सबसे बड़ी ऑफशोर जब्ती करने पर एजेंसियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मादक पदार्थ मुक्त भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारी एजेंसियों ने ड्रग्स की सबसे बड़ी ऑफशोर जब्ती की है। एक संयुक्त ऑपरेशन में NCB ने भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3100 किलोग्राम से ज्यादा
मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा कि ये ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृहमंत्री ने लिखा कि मैं इस अवसर पर NCB, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें।